गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवंबर के पाठ्यक्रम में निर्धारित ल्यप प्रत्यय, आज हम लोग ल्यप प्रत्यय का अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय यानी कहता है कि जिस हिंदी क्रिया में कर करके आदि लगा रहे, जिसमें जिस हिंदी क्रिया में जो है कर करके आदि लगा रहेगा, उस क्रिया में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है तब ल और प, जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो वहां से ल और प का लोप हो जाता है, ल और प हट जाता है, ल और प का लोप होकर यह शेष रहता है, यह शेष बचता है। एक स्थिति और है कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के पूर्व, जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो धातु के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग अवश्य होगा। धातु के पूर्व क्या रहेंगे? उपसर्ग रहेंगे जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय भी कर करके आदि, जिस हिंदी क्रिया के अंत में कर करके आदि लगा रहता है तो वहां भी कत्वा प्रत्यय का ही प्रयोग, वहां कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेकिन और जिसमें कर करके आदि लगा रहे तो वहां ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, परंतु दोनों में अंतर है। जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा तो धातु के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो धातु के पूर्व ल्यप का प्रयोग अवश्य होगा। ध्यान रखेंगे कि जब ल्यप प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे तो धातु के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग अवश्य करना है, कत्वा में क्या होगा कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, दोनों में यही अंतर है। लेकिन जहां कर करके आदि लगा रहेगा वहां ही कत्वा प्रत्यय का भी प्रयोग होगा या ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग होगा। जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो वहां से ल और प का लोप होगा और यह शेष बचता है। उदाहरण से स्पष्ट होगा, उदाहरण देखेंगे। जैसे हम एक धातु लिया ज्ञा धातु, ज्ञा मतलब जानना, और उस ज्ञा धातु में हमने लगाया ल्यप प्रत्यय, ठीक है। तो ल्यप प्रत्यय में क्या कहता है कि जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो यहां ल और प का लोप हो जाएगा, ल और प हट जाएंगे और क्या शेष बचेगा, यह शेष बचेगा। एक स्थिति और है कि जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो धातु के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग अवश्य करेंगे। उपसर्ग हमने यहां ले लिया वी, वी वी जोड़ ज्ञा जोड़ ल्यप, तो यहां से ल और प हटा दिए, वी उपसर्ग को लिया तो वी ज्ञा और इस ल्यप का य, तो विज्ञाय यह शब्द बना, यानी विज्ञाय का मतलब हो गया जानकर। अगर इसमें हम ज्ञा अगर कत्वा प्रत्यय लगाते, कत्वा प्रत्यय भी कर या करके, तो जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते तो यहां से है ना क का लोप हो जाता है, त्वा शेष बचता है, तो क्या बन जाता, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का मतलब भी जानकर है ना, और यहां विज्ञाय का माने भी जानकर। लेकिन अंतर इसमें यह हुआ कि जब हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किए तो यहां ये जो धातु है ज्ञा धातु उसके पूर्व में उपसर्ग का हमने प्रयोग नहीं किया, यानी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा तो यहां पर हम उपसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो उसके पूर्व यानी धातु के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग अवश्य होगा,
यही ध्यान रखना है। दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे नी धातु लिया, नी धातु है और उसमें ल्यप, नी लाना, निधातु, निधातु में यहां पर ल्यप प्रत्यय लगाए आ, यहां उपसर्ग, ल्यप प्रत्यय लगा, सूत्र के अनुसार ल और प हट गया, यानी आनीय, आनीय शब्द बना जिसका अर्थ हुआ लाकर। वाक्य में इसका प्रयोग करके देखेंगे, रमेश जल लाकर पीता है, है ना, रमेश जल लाकर पीता है, रमेशः जलम नीत्वा, है ना, नीत्वा लाकर, लाकर क्या हो जाएगा, नीत्वा, ठीक है, लाकर। जब हम इसमें क्या लगाएंगे, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, जब कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीत्वा, है कि नहीं। और जब हम इसमें ल्यप प्रत्यय लगाए हैं तो नित्वा नहीं, क्या हो जाएगा कि आनीय, क्या हो जाएगा, आनीय हो जाएगा, है ना, आर प्लस नी प्लस ल्यप तो आनीय, यानी यहां से प और ल हट गया, आनीय। तो रमेश जलम नित्वा वा आनीय, रमेश जलम नित्वा माने रमेश जल लाकर पीता है, यानी रमेश जलम नित्वा वा आनीय पीबति, है ना, यानी कत्वा प्रत्यय भी लगा के इसको बना सकते हैं और हम ल्यप प्रत्यय भी लगा करके इसको बना सकते हैं। जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो यही ध्यान रखना है कि जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो धातु की पूर्व उपसर्ग का प्रयोग अवश्य करेंगे, और जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमको उपसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। जैसा कि मैं उदाहरण से यहां दोनों का उदाहरण दे दिए, एक कत्वा का भी है और एक ल्यप का, यानी दोनों धातु में मैं एक में कत्वा लगा दिए आनीय और ए लगा दिए ल्यप प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय लगा तो नित्वा बना, है ना, और लाकर, और यहां जब लगाए हम निधातु के लिए तो आनीय शब्द का निर्माण हुआ, यानी रमेश जलम नीत्वा वा आनीय पीवते। धन्यवाद।